हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज रेणुका रेया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी वीकेंड। और क्या कर रहे हैं वीकेंड पे? वैसे तो इस बार काफ़ी लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया एनसीआर में, यूपी में, दिल्ली में तो वैसे ही पहले से लॉकडाउन था और कोविड केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। मैं भी थोड़ा टेंस चल रही हूँ। मेरे कुछ एक दो न्यूज़ ऐसे आई हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी, बट क्या कर सकते हैं। चलिए, ये बातें आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे, आपको आप लोग के पास भी हर जगह से बस यही कॉल आ रहा होगा। तो टॉपिक चेंज करते हैं। तो गाइस, बस आप मुझे देख सकते हैं, आज मैंने इंडियन कुर्ती पहनी हुई है कॉटन की। तो मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करूँ कि मैं घर में किस तरीके से कॉटन कुर्तियाँ, किस तरीके की कॉटन कुर्तियाँ पहनती हूँ डेली वेयर में। वैसे जब सब लोग मेरे साथ रहते हैं, मतलब मेरे लॉस, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडियन ही पहनूँ कुछ, और कंफर्टेबल भी रहता है और आगे दांश के साथ भी मैनेज हो जाता है और अच्छा भी लगता है ना कभी कभी आप इंडियन वियर पहनिए। तो बस चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस तरह की कुर्तियाँ। मैं एक दो कुर्तियों के मैं लिंक शेयर कर दूँगी, एक दो की मैं शॉप से खरीदा, एक दो मुझे गिफ्टेड हैं तो उनके लिंक नहीं मिलेंगे, बट जो मैंने ऑर्डर की हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल के दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नए मेरी कुर्तियों के लुक के साथ आपके साथ। ओके गाइस, तो फर्स्ट कुर्ती है मेरी, ये कॉटन की कुर्ती है, चिकन की, और थ्रेड वर्क है पूरा, आप देख सकते हैं, और लाइट पिंक कलर की या लाइट पीच कलर की आप कह सकते हैं। मैंने वैसे तो ये फैब्रिक लेके स्टिच करवाया है और ये मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। गर्मियों के लिए बहुत ही लाइट वेटेड है, कॉटन है तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं, काम बहुत मैं इजीली कर पा रही हूँ। स्लीवलेस है तो मुझे स्लीवलेस बहुत पसंद है, तो मैंने इसको स्लीवलेस स्टिच करवाया। आप कुछ इस तरीके से अगर आप घर में पहनेंगे तो बहुत कम्फर्टेबल है और आप गर्मी भी आपको नहीं लगेगी, आप स्टाइलिश भी दिखेंगे ऑन दी अदर हैंड। तो कुछ इस तरीके से मुझे लॉन्ग मुड़ के यार ज़्यादा पसंद है, कुछ इस तरीके ट्रेडिशनल है तो लॉन्ग ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए आप कुछ इस तरीके, मैंने बहुत सिंपल स्टिच कराया है, कोई इसमें तामझाम नहीं कराया। कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, ये फर्स्ट कुर्ती थी मेरी। चलिए आप दूसरी कुर्ती को देखते हैं। ओके गाइस, तो ये मेरी सेकेंड कुर्ती है कॉटन की, ये भी अगेन पिंक कलर की है और ये लिनन मिक्स है थोड़ा कॉटन कपड़े में, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, 3-4 स्लीव्स है। और हाँ, मैंने इसको मिंत्रा से लिया है, तो इसका लिंक डेफिनेटली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, अगर आप लोग को पसंद है तो आप ले सकते हैं। इसको सिंपल आप पेयर अप कर सकते हैं नॉर्मल लेगिंग्स के साथ घर में वाइट कलर की। मैंने इसको प्लेन प्लाजो है उसके साथ पेयर अप किया है, आप देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली कुर्ती बहुत पसंद, आई डोंट नो कैमरे में किस तरीके से लग रही होगी बट सामने से इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और प्रॉपर फिटिंग है। मैंने इसको एल साइज में मंगाया था, आपकी जो फिटिंग है उसमें प्रॉपर साइज चार्ट आता है, आप उसमें से चेक करके अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। वैसे मैंने एल मंगाया था लेकिन मुझे हल्का सा ऑल्टर कराना पड़ा था इस साइज से, तो आप देखो बस। ओके गाइस, तो ये मेरी थर्ड कुर्ती है, अगेन ये लाइट पिंक कलर में है, पूरी फ्लोरल कुर्ती है। मुझे या दिलेश को, हम सबको पेस्टल कलर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़े डार्क कलर्स भी पसंद है बट जो सबको पसंद है वो उस तरीके से पहनो। ऐसा बोलते हैं ना, कपड़े हमेशा दूसरे के चॉइस के पहनने चाहिए, तो चॉइस मेरी है लेकिन कलर और कॉम्बिनेशन मैंने सोचा कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा और घर को, घर वालों को भी बहुत पसंद आता, तो मैंने ये लिया है। ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई थी, आपको भी मालूम होगा मीशो एक ऑनलाइन ऐप है, और वैसे मुझे इस प्रोडक्ट का लिंक नहीं है, मैंने काफ़ी पहले मंगाई थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं इसको रिव्यू करूँगी, बट मुझे बहुत पसंद है। अगेन ये स्लीवलेस है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है पूरी कुर्ती। ये बटन है इसमें सिंपल, बट ये ओपन नहीं है, सिर्फ शो के लिए ही है, और फ्लोरल कुर्तियाँ विंड समर्स में परफेक्ट लुक देती है घर में। और मैंने अगेन इसको वाइट कलर के प्लाजो, प्लेन प्लाजो के साथ पेयरअप किया है, तो इस तरीके से आप घर में स्टाइलिश भी लग सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही सूदिंग लगता है, पेस्टल कलर, फ्लोरल, और बस यही है। देखिए आप। ओके गाइस, तो ये फोर्थ कुर्ती है, मुझे बहुत ही बहुत फेवरेट है मेरी कुर्ती। मैं इस कुर्ती को मैंने मिंत्रा से मंगाया था और मैं लिंक इसका भी आपको दूंगी। बहुत ही यार ये कुर्ती ना कॉटन होने के बाद प्लस इतनी डार्क कलर होने के बाद यू वोंट बिलीव,
ये बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ रही है, बिल्कुल भी इसका कलर बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हुआ है। मुझे बहुत पसंद है, मैं हर थर्सडे को खास चलने में कोशिश करती हूँ मैं येलो या फिर रेड पहनूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये एकदम परफेक्ट लगी। मैंने अगेन इसको एल साइज में मंगाया था लेकिन मुझे ऑल्टर करानी पड़ती है बिकॉज मुझे शोल्डर लेंथ की मुझे बहुत बड़ी आ रही थी इसकी एल साइज में, तो मैंने इसको फिर ऑलमोस्ट यार एल्स और एम के मीडियम का जो भी है समझ लेना, जो भी आप उसको नाम दोगे, तो मैंने उसको वैसा मंगाया है। मैंने अगेन इसको येलो कलर के लेगिंग्स के साथ पेयर अप किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल है, कभी बाहर भी चले जाओ मार्केट पहन के इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है गाइस। तो इस कुर्ती के लिए तो बिग 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 लाइक। आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस तो जो नेक्स्ट कुर्ती है और लास्ट कुर्ती है ये मेरी डब्लू की वाइट और ब्लैक कलर की कुर्ती है। ये क्रेप और थोड़ा मिक्स कपड़ा है बट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत लाइट वेटेड है, गर्मियों में समर्स में एकदम परफेक्ट रहेगा। और मैंने अगेन इसको मिंत्रा से ऑर्डर किया था और गाइस डब्लू होने के बाद भी ये इतनी ज़्यादा नॉमिनल अमाउंट है इसका, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जब मैंने ली थी तब कुछ और प्राइस था, आई डोंट नो अभी कम हो गया है कि ज़्यादा हो गया है, बट मैं डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दूंगी, आप ज़रूर चेक करना। और बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है, जब मैं आज से 4-5 ईयर्स पहले की बात बता रही हूँ, जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन नोएडा तो मैं ना डब्लू की कुर्तियाँ अपने ऑफिस पर्पस के लिए मंगाती थी और मुझे इतनी पसंद आती थी ना, क्योंकि कुछ हटके कुर्तियों का मटीरियल होता था, स्टिचिंग उनकी बहुत प्रॉपर होती थी, तो बस मुझे बहुत पसंद था। और आज बहुत टाइम बाद मैंने फिर इसको ऑर्डर किया, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है ना गाइस, इसको आप घर में पहनिए। और मैंने अभी इसको ब्लैक कलर के सिंपल पैंट के साथ पेयर अप किया, घर पे भी मैं इसको ऐसे ही पेयर अप करती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और घर पे आप इस तरह की कुर्तियों को अगर पहनोगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिखोगे हैंस, और आपको बहुत ज़्यादा आप फील करोगे कि बहुत मैंने कुछ हैवी नहीं पहना है। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप नॉर्मल हॉल वीडियोस देखते होगे या रिव्यूज़ देखते होगे तो लोग बहुत ज़्यादा इयररिंग्स के साथ पेयर अप करके दिखाते हैं, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, रीज़न क्योंकि घर पे मैंने बोला ना कि घर पे आप कैसे रेडी हो तो स्टाइलिश दिखें, तो बस मैंने सिंपल जैसे मैं इयररिंग्स कैरी करती हूँ, जो चूड़ियाँ मैं घर में पहनती हूँ, बस उसी तरीके से जितना मेरा लाइट मेकअप रहता है बस मैंने उतना ही उसको नेचुरल रहने दिया। तो बस यही था आज की कुर्तियों का स्पेशल हॉल, और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और बस गाइज अपना ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, और इम्यूनिटी के लिए आप बहुत सारे ड्रिंक्स लीजिएगा, जो भी आप सब कुछ कर रहे हो मुझे मालूम है। मैं इस टॉपिक को कोविड को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग को आगे पीछे बस कोविड का ही सब न्यूज़ सुनने को मिलता होगा, तो बस ध्यान रखिए, जितना घर में हो सके उतना रहिए, बस और क्या कहूँ आपसे, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेणुका रेयर ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स और लाइक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।